लाइफस्टाइल, यूं तो लाइफस्टाइल को डिफाइन करने के हर किसी के अपने अपने तरीके हैं, अपना अपना एक कंसर्न है और अपना अपना एक स्टाइल है, लेकिन मेरी नज़र में लाइफस्टाइल को नापने के सिर्फ और सिर्फ 3 पैरामीटर्स हैं जो मेरी नज़र में एब्सोल्युटली परफेक्ट हैं। नंबर 1, डोंट रन इनटू द रेस। नंबर 2, कीप योर रिलेशनशिप्स वेरी स्ट्रॉन्गर। नंबर 3, बी बिलीव इन योर सेल्फ। बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों, डोंट रन इनटू द रेस। हमें नहीं भागना है रेस में। इसका मतलब कि हम नॉलेज गेन ना करें, हम लर्निंग्स ना करें, हम एक्टिविटी ना करें, हम अपने आप को एनहांस ना करें, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग ना करें, सब कुछ करिए लेकिन कंपैरिजन करिए जिसमें आपका सेल्फ, जिसमें आपकी वैल्यूज़, आपके मॉरल्स एनहांस हो रहे हैं, जिसमें आप लोगों को कंपैरिजन में बहुत पीछे होते जा रहे हैं, जहाँ पे आज आप हैं उससे बहुत पीछे जा रहे हैं। दोस्तों मैं उस चीज़ की बात कर रही हूँ, डोंट कंपेयर योर लाइफ योर सेल्फ विद एनी वन इन दिस वर्ल्ड। हर किसी को सारी चीज़ें नहीं मिलती, कहते हैं ना हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो हमारे पास जो भी है हमें उसमें खुश होना चाहिए। हम आजकल दूसरों को देख के उस रेस का घोड़ा बने हुए हैं जिस रेस में हमारा होना ना होना ज़रूरी है भी या नहीं, हम खुद भी नहीं जानते। आपने कभी सोचा है कि आप दौड़ते दौड़ते अपनी मंजिल पे तो पहुंच गए, लेकिन क्या वो मंजिल जो आपको चाहिए आपका वहाँ पे वेट कर भी रही है? नहीं, हो सकता है वो मंजिल आपके रास्ते में पड़ी हो, आपकी लक में हो कि आपको थोड़ा सा चलने में ही आपको चीज़ें बहुत मिल जाएंगी। लेकिन नहीं, हमें तो अपने लक पे बिलीव नहीं करना, हमें दूसरों के लक पे बिलीव करके अपने आप को उन सब चीज़ों में डालना है। इसका कंपैरिजन मैं एक छोटे से एग्जांपल से करूंगी कि जब हम फ्लाइट में सफ़र करते हैं देन वी प्राउडली अनाउंस आवर सेल्स डेट येस वी ग्रेजुअली ट्रेवल बाय फ्लाइट। लेकिन फ़्लाइट में सफ़र करते हुए क्या आपने कभी देखा है कि आपको बहुत खूबसूरत वादियाँ मिली हों, आपको बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़ मिले हों, आपको बहुत ही सुंदर सुंदर खाने की चीज़ें मिली हों? कभी भी नहीं। आप बस प्लेन में बैठे, बादलों के बीच में घूम गए एंड दैट्स इट, आपकी जो मंजिल थी वो आपको मिल गई। अगर आप बाई कार जाते हैं, अगर आप बाई ट्रेन जाते हैं, कितनी चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए मिलती हैं, नेचर की सुंदरता देखने के लिए मिलती है, नए नए फूड स्टेट वाइज हमें एक्सप्लोर करने के लिए मिलते हैं, कितनी एडवेंचरस चीज़ें होती हैं जो उससे हम अपने आप को बूस्टअप करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट लाइफ। हम अपनी लाइफ को, हम अपने फोकस को ये देखेंगे कि वो फोकस हमें लेके कहाँ जा रहा है, ना कि हम दूसरे के कंपैरिजन में कि दूसरा बंदा लाइफस्टाइल के चक्कर में रात दिन लगा हुआ है तो हम भी ऐसे लगे। दिस इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग। नंबर 2, कीप योर रिलेशनशिप्स वेरी स्ट्रॉन्गर। मैं इस बात का जिक्र शायद अपने हर वीडियो में करती हूँ कि हमारे लिए अगर हमारी सक्सेस का सबसे पहला स्टेप है, अगर आप सक्सेसफुल होने चाहते हैं हर चीज़ में हर फील्ड में, then you should be honest with your relationships. वो relationship आपकी business में हो, corporate में हो, आपके friends के साथ हो, आपकी family के साथ हो, या आपके खुद के साथ relationship हो, आपकी relationships जो define करती है वो आपका व्यक्तित्व define करती है। किसी को आपको छोड़ के जाने के एक बहाना भी ना हो और आपके पास रहने के 100 बहाने हो, ऐसा आपको अपना करेक्टरिस्टिक बना के चलना है। नंबर 3, बी बिलीव इन योर सेल्फ। कभी भी दूसरों को कभी भी अपनी लाइफ में इतना हक मत होने दीजिए कि वो डिफाइन करे दैट एग्जैक्टली व्हाट लाइफ यू आर लिविंग। आपको ऐसे रहना है, आपको वैसे रहना है। हम अमूमन करते हैं, सामने वाले ने कोई भी ब्रांड पहना हम वो ब्रांड ले आते हैं। सामने वाला मॉरिशस घूमने गया, हमें भी मॉरिशस जाना है। क्यों जाना है भाई? उसका मॉरिशस जाने से कोई मोटिव सॉल्व हो रहा है कि आपका हो रहा है? उसने अगर ब्रांड्स पहन लिए, आप अगर नॉर्मल कोई भी ब्रांड के कपड़े पहने तो क्या आपकी पर्सनैलिटी नहीं शो होगी? क्या आपका नाम चेंज हो जाएगा? क्या आपका ऑरा चेंज हो जाएगा? थोड़ा सा सोच समझ के जिंदगी को जिए। कहते हैं ना कि जिंदगी बार बार नहीं मिलती, जिंदगी सिर्फ एक बार मिलती है। उसको जितना अच्छे से आप लाइफ स्पेंड कर सकते हैं, हर स्टेप पे, हर पल पे आप बहुत ही खुशनुमा अपनी लाइफ को बना सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फॉर लाइफ स्टाइल। इन माई वे दिस इज द परफेक्ट लाइफ स्टाइल। स्टे ट्यून्ड विद मी हेयर ऑन टॉकेश। सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन। बाय बाय।